तो फ्रेंड्स, वैसे अपने जो स्टेट की तैयारी कर रहे हैं वो देखे थे, सारे बच्चे कर रहे हैं, तो जो बिगिनर थे जिन्होंने स्विमिंग की थी, मैं वो भी दिखाता हूँ, अभी वो भी प्रैक्टिस कर रहे हैं। तो काफ़ी जन कहते हैं स्विमिंग सीखने में कितना टाइम लगता है, स्विमिंग सीखने में 2 महीने लगते हैं, आप अच्छे से आ जाती है। वैसे तो 10 से 15 दिन में आ जाती है, उसके बाद आपकी प्रैक्टिस को डिपेंड करता है, अगर आप अच्छे से प्रैक्टिस करते हो तो आप अच्छे स्विमर बन जाते हैं। तो मैं आपको दिखाता हूँ, अच्छी लगे तो लाइक कर करो। जैसे कि ये बिगिनर है, इनको 1-2 महीने ही हुए हैं, ठीक है, वो स्टेट की तैयारी कर रहे हैं, उनकी स्टेट की तैयारी चल रही है अभी, ठीक है, जो कि स्टेमिनर पे काम कर रहे हैं, अपनी वर्किंग पे काम कर रहे हैं। जैसे देखो हैंड पैड पा रखे हैं, चेक कर सकते हो, ठीक है ना, ये चीज़। अभी सीन क्या है, जो कि जो बिल्कुल बिगिनर है वो तो खैर स्टेट के लिए नहीं, वो तो खैर अपने यहीं के लिए तैयारी करेंगे कि हाँ हम और बेहतरीन हो जाए, ठीक है। इधर चेक कर सकते हो, ब्रीथिंग कर रहे हैं, ठीक है, ब्रीथिंग शेड्यूल से वीडियो बनी हुई है, मैंने बनाई भी हुई है, वो भी आप चेकआउट कर सकते हो। तो सीन क्या है, सीन ये है कि यदि आप प्रैक्टिस में टाइम कम करना चाहते हो, बल्कि आप चाहते हो कि आपके ना स्विमिंग का टाइम कम हो जाए, बल्कि जो आप लैब मारते हो 50 मीटर में टाइम कम करना है, तो जो मेरा पर्सनल ओपिनियन है एज ए कोच के थ्रू देखा जाए, तो हैंड के ऊपर मतलब कि जो वर्किंग रहता है, ठीक है, लैग मूवमेंट के ऊपर फोकस किया जाए। जैसे कि अभी चेक कर सकते हो, ये हैंड मूवमेंट इसके काफ़ी प्यारे चल रहे हैं, तो लेग मूवमेंट के ऊपर भी फोकस होना चाहिए, ठीक है। मोस्टली मैंने जब हफ्ता पहले वीडियो बनाई थी, ठीक है, तो भी हैंड वर्किंग पे काम चल रहा था, तो आज मैं 7 दिन के बाद आया हूँ तो भी हैंड वर्किंग पे चला है, लेग्स मूवमेंट पे काम कम चल रहा है। लेग्स मूवमेंट पे अगर काम ज़्यादा चलता है तो काफ़ी स्टमक में पावर आती है, ठीक है। तो अभी अब चेक करना, जैसे कि चेक करो, वो उधर जो लड़के खड़े हैं तीनों चारों, ठीक है, उनकी भी प्रैक्टिस चल रही है, ठीक है, मैं जूम करके दिखाता हूँ, इनकी भी स्ट्रेट की प्रैक्टिस चल रही है, पर ये सारे काम कहाँ करें, हैंड मूवमेंट पे, ठीक है, ये हैंड मूवमेंट पे काम कर रहे हैं, वर्किंग चाहिए इनको लेग पे, ठीक है, लेग पे वर्किंग करेंगे टाइम पे काफ़ी इफेक्ट आएगा। ओ टकराए, ओए बच गए, फ्रैक्चर में पानी में सारा कुछ एकदम क्लीन दिखता है, रीज़न क्या है, गोगल्स लगाए, और अगर गोगल्स ना लगाए हो तो काफ़ी डिफरेंस आता है, क्लीन नहीं दिखता। तो बिगनर्स देखो, बोलिए 2 महीने हो गए इनको करते हुए, भाई 2 महीने, हाँ 2 साल नहीं हो गए, 2 साल हो गए, 2 महीने हो गए इनको करते हुए, 2 महीने से कम हुए हैं अभी, ठीक है। पर अभी जैसे वो बिगनर है, फ्लोटिंग के साथ किकिंग की प्रैक्टिस कर रहे हैं, ठीक है, इसी तरह जो अपने स्विमर है वो प्रैक्टिस कर रहे हैं स्टेट की। अगर आप अभी स्टेट की तैयारी कर रहे हो तो कोशिश करना हैंड मूवमेंट के साथ लेग की भी प्रैक्टिस करना। ये वाला ये कर कौन सा बैठे हैं, कह रहे तैयारी कर रहे हैं अभी स्टेट की। तो मैं आपको बता दूँ कि किस चीज़ की तैयारी करनी, हैंड मूवमेंट के साथ साथ अपने लेग मूवमेंट भी ज़्यादा फोकस करना है। लेग मूवमेंट बहुत इंपॉर्टेंट होती है, हैंड मूवमेंट आप कभी भी तेज भी चला सकते हैं, अगर कुछ खड़ा हो गया लो कर रहा है, ठीक है। तो सबसे इंपॉर्टेंट क्या, लेग के ऊपर वर्किंग करनी जरूरी है, वैसे तो पूरी जरूरी है, पर लेग मूवमेंट के ऊपर आप सोचो कि अगर आप हफ्ते में 4 दिन आप हैंड मूवमेंट कर रहे हो, 2 दिन लेग करो, ऐसा नहीं होना चाहिए। हफ्ते में 3 दिन अगर लेग्स को दे रहे हो तो 3 दिन आप हैंड मूवमेंट भी दो। वैसे बाकी से ड्रिल भी होती है जो कि हमारी एक्यूरेसी को बढ़ाती हैं, ठीक है, पर लेग मूवमेंट भी जरूरी है। तो मोस्टली क्या होता है कि हम अगर हमारे 7 दिन है, हम 7 दिन प्रैक्टिस करें या 1 महीना प्रैक्टिस करें, 1 महीने में 5 दिन लेग होती है, 25 दिन हमारी वो होती है हैंड मूवमेंट के ऊपर। तो कोशिश करो लेग मूवमेंट पर ज़्यादा फोकस किया जाए, ठीक है। तो बस आज के इतना, काफ़ी वीडियो अच्छी लग रही है, लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। बाय फ्रेंड्स, थैंक यू फॉर द वीडियो।